बस 1500 पिछे, किसी ने पिछों बाँह फड़ ली आके, किसी ने हाथ लाता, किसी ने नंबर मंग लिया, है ना। जे आप बोलते हैं तो लड़ाई पै जाती उ, फिर अगला गांह पार्टी वाला कहता भी मेरा प्रोग्राम खराब करता तू, है ना। फिर सानू ये देखना पैंदा भी सानू पेमेंट नहीं देनी जे इन कुछ कहता। तो कदे माँ प्यो ने नहीं कहा थोनू ये लाइन छड़न वास्ते? नहीं, बहुत ज्यादा मम्मी तो बहुत कहती हूँ भी छड़ दे, तो कोई गल नहीं, आप कड़ा भुखे मर जाएंगे, दिहाड़ी बग जा करा दोवें मावं धियां। तो इन्हों के आखे तो मैं नहीं छड़िया, गल कर जो मेरे आप दे ठोकर बजिया है ना, उदो छड़ना पै गया। मैंने गलत बोलिया सी मैनू, ता करके उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई सी। पार्टी वाले ने मैनू पेमेंट भी नहीं दी उस टाइम, कहिंदे भी तू लड़ाई की उहदे लप्पड़ मारिया तू बंदे दे, है ना, साडी पेमेंट कट्टी गई। बस उस दिन तो मैं प्रोग्राम ते नहीं गई हैगी। मैं कहा दिहाड़ी करके खाना वधिया बस, आपां अपने ते लोक उहीं ही बिना गल्लां ते दूषण लाई जांदे, है ना। जदों कोई गल बन गई फिर तो कहना ही सौखा, है ना। जिवें लोग अगले रसोईयां च खाना बनाउंदे ने, साडा भी दिल करदा वी असीं रसोई च बनाईए, वधिया बैठ के खाईए। साडे तां मंजे भी नहीं चज्जदे हैगे, सानूं पता ही वी तुसीं वी इदां दे मंजिआं ते बैठे हो आके, है ना। बैठने वाली जगह ओहदे उपर छत भी नहीं हैगी, ते तुसीं वेख सकदे उधर कंधां दी हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी, किसे वेले भी इह डिग सकदियां ने, ते जिहड़ा इहनां दा घर दा गेट हैगा ओह भी नहीं हैगा। भी बहुत ही ज़्यादा जी माड़ी हालत, अंदरों जी छत्तां भी पाटियां हुई, फिर मीह दे विच तुसीं फिर किवें गुजारा करदे हो? मंजा खड़ा कर लईदा, नाल कंध दे ला लईदा मंजा, पल्ली पा के उत्तों फिर असीं रोटी बना लैंदे हैगे। सत श्रीकाल जी, तुसीं जुड़े हो शब्द चैनल नाल, ते शब्द चैनल तो मैं हाँ जस मैमी, ते मेरे नाल कैमरामैन ओ बी बंटू। अज असीं पहुँचे हाँ जी पिंड चक हीरा सिंह वाला रामा मंडी दे कोल जिला बठिंडा। तुहाडे सामने एक अजिही दर्द भरी कहानी लै के आए हाँ, एक भैन की जिहनूं कि लोगों दीआं तरह तरह दीआं गल्लां सुणन नूं मिल रही हैं। भैन की हालत देख के बस असीं यही कह सकते हाँ कि रब्बा इन्नी गरीबी किसी नूं ना दई कि भैन नूं लोगों दीआं तरह तरह के ताने मेने सुणने पैण। तुसीं वेख सकते हो भैन के घर की हालत, जिहड़ी इन्हां दी लैटरिंग आ बैठने वाली जगह उहदे उपर छत भी नहीं हैगी, ते तुसीं वेख सकदे हो उधर कंधां दी हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी, किसे वेले भी इह डिग सकदियां ने, ते जिहड़ा इन्हां दा घर दा गेट हैगा उह भी नहीं हैगा, किसे पासों भी कोई भी परसन इन्हां दे घरे जिहड़ा एंटर कर सकदा। इन्हां दे जिहड़े फादर साहब आ डैडी जी आ उह भी मंजे ते पए आ, बहुत बीमार आ गया, उहनां दी तुसीं हालत वेख सकदे हो। जिहड़े इन्हां दे फादर साहब आ उह टीवी दे जिहड़े मरीज़ हैगे आ, ते इधर तुसीं वेख सकदे हो इन्हां दे घर दी हालत। इन्हां कोल रहण लई बैठण लई सिर्फ इक ही कमरा, जिहड़ी उहदी छत आ उह भी पाटी हुई आ चौंदी आ, ते तुसीं वेख सकदे हो इधर जिहड़ा इहनां कोल रोटी बनाउण वास्ते इक ही चुल्हा गा। जदों मीह नेरी आउंदा होगा पता नहीं इह अपना जिहड़ा किवें गुजारा करदे होणगे, किवें रहिंदे होणगे। बाकी तुहानूं असीं इहनां दा अंदरों घर विखाउंदे आ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨੇਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆ ਸਾਰੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੱਤ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕੀਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਾ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ, 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਘਰੇ ਖਰਚਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੁਛ ਮੈਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਐਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੈਣ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀਗੀ।
उदू बाद कोई होर भी जिमें गांह की गांह सहेली बन जाती है ना वो को काम कर लग गई। जो मैं जान लग गई प्रोग्राम तो हर कोई साथ छड ही जाता है ना, उन्होंने भी साथ छड़ता मेरा। बस ऐ करके हौली 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 लोगों के ताने मेहने भी सुनती रही मैं इधर इतने आँदी हूँ सी लोग है ना कहते मैं ये तो कंजरी बन गई है तो नचती फिरती है ये बंदे करी फिरती है इतने भी आनों हट गई मैं पिंड। उस बाद मैं लैन छड़ती यही छड़ के मैं हूँ आई हाँ घर हूँ इतने मैं दिहाड़ी दप्पा करती हाँ जी पिंड जानी मम्मी घर काम करती है मैं दिहाड़ी दूड़ी बग जाती हूँ बस ऐस लुट गुजारा हो जाता। थोड़ा पता हूँ डैडी बीमार है ना छोटी सिस्टर आ मेरी ये घरे है गी बस ऐ हौली हौली थोनू बाकी सिरे घर के हालात दिसी जाते हैं भी इन्नी गरीबी आई पी है साढ़े है ना। हाँ जी जी मतलब भी तुहाड़े ग्रुप के कोई इदा दोड़ी सहेलियाँ ज होंदिया सी ऑर्केस्ट्रा वाली उन्होंने तो किसी ने हैल्प नहीं की? नहीं जी अजक कौन हैल्प करता सब साथ छड़ जाता गरीब देख के है ना। हाँ जी भैन जो बचपन से छोटे से बचपन कि फिर अपना गुजारा करते बचपन देख जिमें मम्मी जाता से डैडी जाता से इन्होंने नाल बग जाते कम कुम से भी नाल करा लेंगे हौली हौली व्डे हो गए है ना मैं आप दिहाड़ी कर लग गई मम्मी के नाल बग जाते झाड़ू पोचा करते उन्होंने नाल बग जाते। उदू बाद मैनू मासी की कुड़ी ने कहता भी तू आ लैन दे आ जा है ना मैं उत्थे काम कर लग गई। जो उ प्रोग्राम से जा लग गई मैं तो उदू प्रोग्राम से मैं गई है ना कैबन के कोई बंदा आया मैं कहता भी थोड़ा नंबर ही दे दो मैनू सियाना बयाना सगा नंबर दे दो कहता थोड़ा भी गल करनी थोड़े ना। मैं उन्होंने कहा मैं भी अंकल जी तुम तो मेरे प्यो वर गए है ना तुम आ की गल कहती। उदू बाद मैं वधिया नहीं लगे उदू बाद मैं लैन ये छड़ती उदू बाद फिर मैं दिहाड़ी दूड़ी जा लग गई। थोनू पता पिंड च भी कोई नहीं साथ दिता है ना सब साथ छड़ जाते चाचे ताया ने तो छड़ना ही छड़ना आपके सके भी छड़ जाते हैं है ना कोई नहीं खड़ता अजक जिते गरीबी उत्थे तो कोई खड़ता ही नहीं है खास करके अगला कहते साढ़े तो मंग ना लैन ये हूँ साढ़े आ सारे घर हैगी है कोई नहीं आके खड़ता कोई पता लैन भी नहीं आया कद भी किमें आ किमें नहीं। थोड़ी फैमिली के कौन कौन? एक मेरा पापा गए मम्मी आ छोटी सिस्टर आ मैं तो मेरा भाई है देख है ना वो तो बहर ही कहता भाई है जोड़ा बहर ही रहा है ना उन्हें तो कदे आके घर ए भी नहीं पूछा भी तुम भुखे आ कि आए हो गए हूँ मम्मी देख दिहाड़ी गई आ अत्थ ने लियाऊगी 250 रुपया लियाऊगी वह ही माड़ा मोटा आटा लियावे आटा लिया के कुछ दवाई बूटी आ जाती है बस इस तरह ही गुजारा हो जाता बाकी सिरे थोनू पता ही है हूँ भी कि गुजारा हो रहा। जिम्मे सू दस कि जो घर का गुजारा वह भी मसा हों तो बाकी आ जो सरकार ने चलाया हुआ गा जी अपनी कणक मिलती है घर गरीब घर फ्री कणक मिलती है वह नहीं थोनू कोई प्रोवाइड करता मिलती थोनू? वह मैं छोटी सिस्टर की आँदी है बस डैडी की आँदी मम्मी की आँदी हैगी मेरा भी नाम कट रखे क्योंकि मैं बाहर रहन लग गई सी वीरे का भी कटता मेरे का तो बस इन्नी कणक आँदी वह भी कदम मिलती है कदों नहीं मिलती हैगी साढ़े तो नाम कट्टे ही होया भी कटता सी छोटी कुड़ी का तो यद हूँ दे के आते हैं भी यदा भी यदा तो ना चढ़वाओ तुम पता नहीं चढ़ाया कि नहीं हजे कणक तो आन नहीं लगी यदि भी ठीक है। हाँ जी जो ये आर्केस्ट्रा वाला जो किता अपनाया पिंड के लोग अक्सर कहते भी ये कंजर किता गा तो तुम उस टाइम इदा दी गलों सुनने मिलिया सी? बहुत ज्यादा भाई बहुत ज्यादा बढ़न भी नहीं देंदे घर ले आ गई ये तो बाहर रही है ये इतने खसम करी फिरती है ये नचण जाती है यू का घाटा गा मम्मी अर्गन बथेरे मेहने मारते भी थोड़ी कुड़ी तो नचती है सूँ का घाटा बथेरा पैसा कमा आर्केस्ट्रा वाली यहोजा कुछ बहुत सुनने मिले मैं बहुत ज्यादा थोनू पता सुन के ढिड च पाया पैदा है ना मम्मी कह दें सू बहर निकलना औखा होया पाया लोग ए गल करते मैं कह दी कोई नहीं फिर रोटी कितों खावे आप जे लोगों दलों सुनिया तो लोगों को ए क्या कर साडे घर सट के जा फिर आके बई साडे घर सट्टो आके राशन साडा कोई भी नहीं जाता बहर थोनू ये फिर किन्नी क जी है पैसे बन जाते किन्नी क देंगे क्योंकि अजक लोग कहें है भी जड़िया आर्केस्ट्रा वाली उन्होंने को बहुत ज़्यादा पैसा होंगे आ तो थोड़ू कि जी पेमेंट देंगे सी पेमेंट कि मिलनी आ 1500 रुपया पेमेंट देंगे सी बाकी सिरे थोड़े सामने भी मैं कि आर्केस्ट्रा नच के की मैं बना लिया किड़िया मैं हवेलियां पालिया इतने बस एक ना बदनाम आदा कुछ नहीं मिलता इतों। हाँ जी भैन फिर तुम ये 1500 के पिछे जो सारा दिन नचते सी बस 1500 पिछे ठीक हूँ थोड़ा पता स्टेज पर कड़ा नचना सौखा मैं पता नहीं से इदा का कुछ होंगे स्टेज पर है ना किसी ने पिछों बह फड़ ली आके किसी ने हाथ लाता किसी ने नंबर मंग लिया है ना
जे आप बोलते हैं तो लड़ाई पै जाती उ फिर अगला गांह पार्टी वाला कहता भी मेरा प्रोग्राम खराब करता तू है ना फिर सानू ये देखना पैंदा भी सानू पेमेंट नहीं देनी जे इहनू कुछ कहता तो फिर तुसीं कदों फिर अपना जिहड़ा गेड़ा घरे मारदे सीगे अगे तो मैं तीन चार दिन तो गेड़ा मार लैंदी सी जिवें हुण मैं राशन वगैरह दे जांदी सी इहनां नूं है ना मम्मी अरगियां नूं भी घर भी नहीं आउण बिना सरदा सी इहनां ने भी रोटी पानी खाणा हुंदा सीगा तो कुछ मेरे पैसे उत्थे ही खर्च हो जाते थानू पता ड्रेसा भी बनाउणियां पैंदियां मेकअप का समान हो जाता इत घर तो चार पाँच सौ का समान ही सिट के जाती सी मैं इन्हों हूँ तो मैं घर ही हाँ गई देखो काम ही छड़ता जो मैं हूँ तो मैं इतनी दिहाड़ी दुड़ी जानी हाँ महीना डेढ़ महीना उत्थे रहे असं हस्पताल उत्थे बैठे रहे हूँ असं घर हाँ हूँ मम्मी तो दिहाड़ी गई थोड़ा पता ही है ना हूँ असं डैडी को चल इन दवाई बूटी भी दवानी होंगी हैगी बस इस तरह ही चली जा रहा है तो जी फिर आर्केस्ट्रा वाली लाइन से कदों छी ए जो हूँ लॉकडाउन लगे से ना लॉकडाउन वेले तो पहला तो छी हुई है मैं हाँ जी फिर क्यों छी सी बस मैं वधिया नहीं लग्या थोनू पता है ना लोग बाहवा फड़ लेंदे आ एक बंदे तो मैं इन्ना क ज्यादा कुटता से उदू बाद मैं प्रोग्राम से नहीं गई उदू बाद प्रोग्राम ही छड़ते मैं लाने के वजह ना कुटे तुम उन्होंने थोनू पता गलत बोलिया से मैनू ता करके उन्हू बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई सी पार्टी वाले ने मैं पेमेंट भी नहीं दी उस टाइम कहते भी तू लड़ाई की लप्पड़ मारिया तू बंदे दे है ना साड़ी पेमेंट कट्टी गई बस उस दिन तो मैं प्रोग्राम से नहीं गई हैगी मैं कहा भी दिहाड़ी करके खाना वधिया बस आप अपने तो लोग ऊँ ही बिना गलों तो दूषण लाई जाते हैं ना जो कोई गल बन गई फिर तो कहना ही सौखा हूँ आप दिहाड़ी दूड़ी जाने बस मम्मी बग जाती है मैं बग जाती चल किसी दिन मम्मी रह पैंदी हैगी किसी दिन मैं बग जाती हैगी क्यों डैडी भी घर बीमार है ये बिना भी नहीं सरदा है ना जे आपका प्यो सिरते तो सारा कुछ हैगा जे प्यो ही नहीं सिरते फिर कोई भी नहीं अजकल किसी का कद माँ प्यो ने नहीं कहा थोड़ा ये लाइन छड़न वास्ते नहीं बहुत ज्यादा मम्मी तो बहुत कहते हुए भी छड़ दे तो कोई गल नहीं आपको भुखे मर जाएंगे दिहाड़ी बग जा करा दोवें मावं धियाँ तो इन्हों आखे तो मैं नहीं छड़ा गल कर जो मेरे आप दे ठोकर बजिया है ना उदो छड़ना पै गया मैं हूँ थोड़ू किमें लगता गा हूँ तो बस टाइम पास ही आ ते फिर बापू जी की जी दवाई का खर्चा फिर वो तुम कि अरेजमेंट कर दो दवाई बस मम्मी जिम्मे लियाई हूँ हथ ने लियाऊगी पैसे इन्होंने टीका करवाना गा दर्द हो जाता रात का बस ए टाइम बस कुछ रोटी खर्चा चला लाँगे असं कुछ दवाई बूटी आ जाऊगी होर तो थोड़ा पता कितों आने पैसे है ना हाँ जी हाँ जी तो जोड़े बापू आ गए ये कदों तो जोड़े बीमार बैठे है इनू काफ़ी टाइम हो गया हाँ जी काफ़ी टाइम तो बीमार ही चली जाते हैं असं कमर की हालत वेखी हैगी भी बहुत ही ज़्यादा जी माड़ी हालत अंदरों जी छत भी पाटिया हुई फिर मीह के फिर किमें गुजारा कर दे मंजा खड़ा कर लईदा नाल कंध दे ला लईदा मंजा पल्ली पा के उत्तों फिर असं रोटी बना लें गे रोटी बस इस तरह ही गुजारा करी जाने फिर थोनू पता पैसे आने आन भी कितों है ना जो कोई कमाई भरा दे सिर ते हुंदा जां प्यो दे सिर ते प्यो मंजे ते बैठा भरा बाहर आगा है ना जिवें लोग अगले रसोईयां च खाणा बणाउंदे ने है ना साडा भी दिल करदा वी असीं भी रसोई च बणाईए वधिया बैठ के खाईए साडे तां मंजे भी नहीं चज्जदे हैगे सानूं पता ही तुसीं भी इदां दे मंजे ते बैठे हो आके है ना हाँ जी भैण फिर जिवें तुसीं जाणदे हो ना वी तुसीं भी हुण वधिया जवान हो गए ते तुहाडे भैण भी जिहड़े हैगे उह भी जवान आगे ते तुसीं फिर कदे अपने विआह बारे सोचिआ वी तुहाडा जिहड़ा विआह उह फिर किवें करनगे तुहाडी मम्मी ब्याह बारे कादा सोचना हालात ही इदा दे होए पए है मंगण खाण जोगे तो होए पए है साडा तो इतों मन ही खट्टा होया पाया सानूं तां ऐ वी साडी कोई आ जगह लै ले है ना कितें बाहर जाके बह जाइए कोई आपदा झुंबी पा के बह जाइए बस इन्ना मन खट्टा होया पाया इतों तुसीं तां अपने बारे सोचा ही नहीं है क्योंकि हुण तुहाडी भी जिहड़ी उम्र आ ज़्यादा हो गई आ फिर तुसीं अपनी भैण बारे की सोचा उहदी अगे दी जिंदगी बारे बस इन्हां दी प्लस टू होके हटी हैगी ब्याह के तो कहदे ब्याह सोचने बई ब्याह सोचते नहीं है क्योंकि घर कुछ है नहीं है ना घर सारा बर्बाद होया पाया कहदे ब्याह के बस जिमें ये कर्मा च हुई उमें ए ना हो जू जिमें मेरे कर्मा च सी मेरे ना हो ही जाती है अस तो रब ते डोर छड रखियां बस जिमें कि तुहानू असी भैन दे नाल गलबात करवाई उन्हां दी सारी थोनू स्टोरी दसी तुसी वेख सकदे हो खुद ही उन्हां दे घर दी हालत ते भैन दे हालात तुसी खुद वेख सकदे हो जे कोई भी NR वीर इन्हां दी हैल्प करना चाहुंदा कोई भी मेरा वीर भाई उन्हां दी जरूर हैल्प करो असी इन्हां दा तुहानू कंटैक्ट नंबर देवांगे तुसी भैन नाल गल करके तुसी जो भी उन्हां दी मदद करनी आ उन्हां दी तुसी मदद कर सकदे हो तद तक तुसी साडे शब्द चैनल नाल जुड़े रहो असी तुहाडे लई होर इदां दीआं वीडियोज़ लैके आउंदे रहांगे ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करना तद तक लई वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।